अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर वहीद हसन, वेटनरी ऑफिसर। आज मैं इधर फॉर्म पे बैठा था अपने, तो मेरे जहन में आया कि फार्मर्स जो हैं वो उनको एक टिप दी जाए कि जनरली जो जानवर को बुखार हो जाता है आम मतलब मौसमी तब्दीली की वजह से या किसी और वजह से, तो सिंपल अगर बुखार है तो उसका इलाज मैं आपको देसी भी प्लस जो उसका अंग्रेज़ी इलाज समझ लें वो भी बता रहा हूँ, तो ताकि आपको अगर आसपास डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं है या रात का टाइम है या कोई और सूरत हाल है तो उस सूरत हाल में आप ये नुस्खा देंगे तो इंशाल्लाह जो आपका जानवर है उसका बुखार इंशाल्लाह उतर जाएगा। अगर सिंपल बुखार है तो उसका आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ले लेनी है, अगर जिस तरह गाय है बड़ी तो उसके लिए आप पैनाडोल या जो पैरासीटामोल फार्मूले की होती है कालपोल वो आप ले लें 5 गोलियां। उन 5 गोलियों को आप जो है वो बिल्कुल पीस लें और पंसारी से मिल जाता है सोडा सिलिसलास, उसमें आप 3 चम्मचों में वो मिक्स करके दे दें तो ये आप जानवर को देंगे तो इंशाल्लाह उसका बुखार जो है आधे घंटे के अंदर उतर जाएगा। बुखार चेक करने का एक सिंपल फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल फार्मूला ये है कि अगर उसके मुंह में आप हाथ डालें, अगर आपको गर्म महसूस हो रहा है तो डेफिनेटली उसको बुखार है, या मतलब एक नॉर्मल जानवर के मुंह में हाथ डालें उधर कुछ और आपको टेम्परेचर नज़र आ रहा है, थोड़ा वो ठंडा महसूस हो रहा है, और किसी और जानवर के आप मुंह में जो जिसको बुखार है उसके मुंह में आप अगर हाथ डाल रहे हैं तो वो अगर आपको गर्म महसूस हो रहा है तो डेफिनेटली उसको बुखार है। ये आप ट्रीटमेंट ये सिंपल सा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जानवर का बुखार उतर जाएगा। और इसके अलावा बाकी सौंफ, पुदीना या अजवाइन वगैरह या और चीज़ें जो हैं वो हाजमे को बेहतर करती हैं, बुखार में उनका किरदार नहीं होता। तो अक्सर लोग जानवर को बुखार होता है तो वो अक्सर मैंने फील्ड में भी देखा जहाँ लोग कॉल करते हैं कि जी जानवर हमारा खा पी नहीं रहा तो उसको हमने सौंफ, पुदीना, अजवाइन वगैरह दी है या और बाकी जड़ी बूटियाँ दी हैं तो उसकी वजह से वो मसला हल नहीं हो रहा। तो बेसिकली क्या होता है कि वो मोस्टली ऐसे केसेस में जो है 100% तो नहीं, बहरहाल ज़्यादातर जो है 70-80% ये बुखार होता है, तो इसका आप इलाज करें तो इंशाल्लाह जो जानवर है आपका वो ठीक हो जाएगा। तो दुआ में याद रखें, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मेरी और भी चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं आपके जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जानवरों के या फार्मिंग टिप्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जो बछड़े या बछड़ियाँ हैं 150 किलो से कम वज़न वाली है समझे, 2.5-3.5 से कम वज़न वाले, उनको आप 3 गोलियाँ दे सकते हैं प्लस सोडा सिलिसलास आपने उसके 1.5 चम्मच देना, और अगर जिस तरह भेड़ बकरी है बड़ी तो उनको भी इसी तरह 3 टैबलेट पैरासीटामोल की कालपोल की और साथ सोडा सिलिसलास वो भी 1.5 चम्मच। और जो छोटी भेड़ बकरियां हैं जिनका वज़न आधा मन है या 20 किलो या इससे कम तो उनको आप 2 गोलियां पैरासीटामोल की यही कालपोल की प्लस जो है आपने सोडा सिलिसलास वो आधा चम्मच तो ये देंगे इंशाल्लाह लगे कम से बुखार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।